दोस्तों, स्वराज अभियान जो कि देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प से भरा हुआ एक संगठन है, उसने दिल्ली में जिम्मेदारी ली है, दिल्ली में अपने लिए भूमिका तय की है कि दिल्ली में पूरे देश को उम्मीद देने वाला जो आंदोलन शुरू हुआ, जन लोकपाल के नाम पर हुआ, उसके सपनों को मरने नहीं देंगे, उस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे, व्यवस्था परिवर्तन की उस मुहिम को खत्म नहीं होने देंगे। आपने और आप जैसे हजारों लाखों साथियों ने, देश भर के कार्यकर्ताओं ने, 34 देश के NRI कम्युनिटी के साथियों ने जब अपने दिल से सहयोग किया, फंड दिया, वक्त दिया, अपनी एनर्जी दी, तब दिल्ली में एक बदलाव मुमकिन हुआ। लेकिन आज वो बदलाव एक चौराहे पर जाके ठिठक गया है। वो बदलाव एक पार्टी में बदला, सरकार में बदला, और आज दिल्ली के सचिवालय, दिल्ली के मंत्रिमंडल में अपने लिए फायदे की बात हो रही है, व्यवस्था परिवर्तन की बात भूल चुके हैं। स्वराज अभियान ने संकल्प लिया है कि उस बड़ी लड़ाई को, नई आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम दिल्ली को पूरे देश और दुनिया में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि कैसे अगले दौर का एक आंदोलन, अगले दौर की राजनीति मुमकिन है, कैसी होगी पॉलिटिक्स 2.1, पॉलिटिक्स कैसी होगी उस वक्त की जब हमारे हर छठे महीने हमारे हाथ में कंप्यूटर का, मोबाइल का नया मॉडल होता है, पॉलिटिक्स का मॉडल क्या होगा। तो स्वराज अभियान आपसे वादा करता है कि दिल्ली में एक रचनात्मक राजनीति, जिम्मेदारी से भरी राजनीति, समझदारी से भरी राजनीति, संभावनाओं से भरी राजनीति आपके सामने आएगी। अगले कुछ महीनों में हम दिल्ली में कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक नए वक्त के लिए हमको किस तरह का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए, किस तरह की एजुकेशन चाहिए, किस तरह का रेवेन्यू कलेक्शन चाहिए, किस तरह का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, गवर्नेंस विद रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसा चाहिए, दिल्ली में इन सारे मामलों पर कुछ नए प्रयोग होने हैं। आप सबको आमंत्रण है, आप सबको बुलावा है, आप उसमें भागीदार बने, सहयोगी बने। दिल्ली फिर से उम्मीदों का शहर बनेगा, दिल्ली फिर से बहुत नए किस्म के पहलकदमियों का शहर बनेगा, दिल्ली फिर से पूरे देश और दुनिया को व्यवस्था परिवर्तन की एक बहुत साहसपूर्ण कार्रवाई करता हुआ कुछ दिखाने वाला शहर बनेगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है।